ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में हार के बाद कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल ने की। हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हताश और निराश नजर आ रहे थे, इसलिए इस बैठक का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया। सोलन में हार के बाद कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल ने की। हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हताश और निराश नजर आ रहे थे, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने चुनावों के समय अहम भूमिका निभाई और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन धन से पार्टी के साथ सेवाएं दी। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक धनराम शौंडिल ने बैठक के बारे में बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में हार के बाद निराश नजर आ रहे थे और उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उनमें नई चेतना भरने के लिए कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया गया है जिन्होंने पार्टी को मजबूत रखने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हार के कारणों पर भी मंथन किया गया है। जो हाल ही में हमारी पराजय हुई कांग्रेस पार्टी की अक्रॉस द कंट्री, उस पर और विशेषकर हमारे अपने पार्लियामेंट्री सीट शिमला पे जो, और फॉर दैट मैटर चारों सीटों पे जो हमारी पराजय हुई, उन पे चर्चा थी, अपने लोगों के विचार सुनने थे, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पीछे रहे। हर कार्यकर्ता रात दिन काम करता है, उसके बावजूद जब विपरीत परिणाम मिलता है तो उसका मन डेफिनेटली थोड़ा सा हो जाता है कि भाई इस प्रकार का कभी उसका मानसिक जो मैं समझता हूँ गिरावट ना आए उसके सोचने में, और ये जो उसका मोराल जो है, उसका मनोबल जो है हमेशा बना रहे। बेसिकली इन सब चीज़ों को लेकर हमारी आज की मीटिंग थी। हम उन कारणों में भी जाना चाहते थे कि जिन कारणों से हम इतने पीछे रहे, हो सकता है संगठन में हमारी कमियां रही हों, हमारे काम करने की शैली में कमी रही हो, हमारे जो डायरेक्शन आनी चाहिए नेतृत्व टमे के नहीं आ पाई, इस प्रकार के कुछ एक जो मसले थे उन चीज़ों पर हम बड़े चीज़ों पर हम मंथन करना चाहते थे और सभी लोगों के विचार लेकर एक प्रयास किया हम लोगों ने आज की इस मीटिंग में कि हम आगे को किस प्रकार से चलें। लोगों ने अच्छे काम किए, उनको एक प्रकार से सराहा गया और उनको एक जस्टिस प्रकार से राजीव जी के वक्त हम सर्टिफिकेट दिया करते थे, इन्होंने मेरे से ही इन सब लोगों को सम्मानित कराया।